जिसकी बात करने वाले हैं वो शायद भारत की सबसे अंडररेटेड महिला हैं, जिनके योगदान को इस देश ने ज़्यादा बात नहीं की। और इसका एक कारण ये भी था कि एक बड़ा पेड़, एक बड़ा बरगद आ जाता है तो उसकी छांव के नीचे बहुत सारी चीज़ें ढक जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान नंदना देवी की, ज्ञान नंदिनी देवी की, जिनको शॉर्ट में लोग ज्ञानदा बुलाते थे। और वो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी भाभी। रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि अपने आप में इतनी बड़ी हो गई कि उनकी एक पहचान बन गई कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी हैं, जबकि असल में उनको भारत में सबसे ज़्यादा सामाजिक बदलाव लाने वाली महिला कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इसी पर आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं इंडियन पॉपुलर कोड, मैं हूँ आपका दोस्त अनिमेश। ज्ञानदा 1850 में पैदा हुई थी। 1850 मतलब 1857 की क्रांति से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, ब्रिटेन में महिलाओं को बराबरी के तमाम अधिकार मिलने से पहले। और 7 साल या 8 साल की उम्र में, यानी 57-58 की जब क्रांति चल रही थी, उस समय उनकी शादी सत्येंद्रनाथ टैगोर से कर दी गई और वो बन गई टैगोर परिवार की बहू, बालिका वधु। उस समय पर ये एक प्रथा थी, और जिसमें क्या कहते हैं, टैगोर परिवार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक अवरोध प्रथा थी, जो कुलीन जितने भी बड़े परिवार हैं, बड़े बंगाली परिवार हों या कोई भी कथित ऊंची जाति वाले परिवार, उनमें एक प्रथा थी कि 7-8 साल 9 साल की उम्र में लड़की ब्याह के आती थी और मरने के बाद ही घर से निकलती थी, बाहर किसी को दिखाई ना पड़ जाए, उनके परिवार की बहू की शरीर का एक उंगली भी ना दिखाई दे जाए। तो जो पहला काम उन्होंने शुरू किया वो था इस अवरोध प्रथा को ख़त्म करना, घूमना फिरना, 7-8 साल की बच्ची और बरामदे में चले जाना, पुरुषों के कमरे में चले जाना, महिलाओं के लिए जो सेक्शन बने उसके बाहर निकल जाना, और इसको लेके उनकी डांट पड़ती रही। इस बीच में उनके जो पति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो चले गए थे लंदन, भारत के पहले ICS जैसे अभी IAS होते हैं वो थे, और उस समय ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे। उन्होंने कहा अपने पिता से कि अब उनकी पत्नी को, यानी जो 12 साल की हो चुकी थी, लंदन भेज दे। उन्होंने इसको मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो ज्ञानदा थी उनके हंगामे चल ही रहे थे। 64 आते आते, यानी जब वो 14 साल की हुई, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आ गए वापस और उनकी पोस्टिंग हुई बम्बई। और यहाँ पर हंगामा इतना बढ़ चुका था कि उनको भी भेज दिया गया पति के पास बम्बई 14 साल की उम्र में। बम्बई पहुंचकर उन्होंने एक दूसरी दुनिया देखी, जहाँ पर अंग्रेज़ औरतें थीं, पारसी औरतें थीं, और भी क्या कहते हैं दूसरे फ्रेंच वगैरह सोसाइटी थी जो इतना कंजर्वेटिव नहीं थी। और वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को समझना और करना शुरू किया। उनके बच्चे हुए और उन्होंने क्या कहते कई ऐसे काम किए जिसने टैगोर परिवार को हिला के रख दिया। मुस्लिम नर्स को अपनी बच्ची की देखभाल के लिए रखा, जाति प्रथा, कथित ऊंची जाति का परिवार और हिंदू मुस्लिम, और उसमें एक मुस्लिम आया रखना घर में, वो रहेगी, वो सारे बच्चों को पालेगी, खाने पीने का कोई कथित जो भेदभाव है वो नहीं, और इस बात पे बहुत हंगामा हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने की, उनको लगा कि जो विदेशी औरतें आती हैं, ब्रिटिश औरतें हैं और भी दूसरे देशों की या पारसी, वो अच्छे से तैयार होकर अपने पति के साथ आती है, भारतीय औरतों के पास उतना फॉर्मल सेंस ड्रेसिंग का नहीं है और उसकी शायद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि ऐसे आयोजन में भारतीय महिलाएं तब तक जाती नहीं थी। तो साड़ी पहनने का जो पुराना तरीका था उसको उन्होंने बदला और एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिसमें प्लेट डाली जाती थी, कंधे पर आँचल इस तरह से लिया जाता कि हाथ फ्री रहे। और इसके बाद वो चली गई लंदन, और लंदन जाने की भी कहानी बहुत मज़ेदार है। वो प्रेग्नेंट थी, अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में, उनके पास 3 बच्चे और भी थे और पति से झगड़ा हुआ, वो जहाज़ पकड़ के लंदन चली गई अकेले 3 बच्चों को लेके। और ये बात है 1877 की, यानी कि जब लंदन में, इंग्लैंड में औरतों का अकेले घूमना अलाउड नहीं था, वहाँ की औरतों का, एक भारतीय महिला 3 बच्चों को लेके और 4th बच्चा उसके पेट में और अकेले लंदन चली जाती है। वहाँ पर जाके वो टैगोर परिवार के ही एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन चुके थे, वो भी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। खैर, वहाँ से जब वो वापस आई तो उन्होंने आके कलकत्ता गई, वहीं अपने पुराने घर में, और वहाँ पर जाके उन्होंने कई चीज़ें की। अच्छा, लंदन में घटना और भी हुई जिसका हम जिक्र करें। लंदन में उनके पास रहने आ गए रविन्द्रनाथ टैगोर, और दोनों की बहुत अच्छी घनिष्ठता वहाँ से जो शुरू हुई वो आजीवन बनी रही। तो कलकत्ता वापस आने के बाद उन्होंने एक काम किया, जो नया साड़ी पहनने का तरीका था इसको सिखाना शुरू किया और घर की औरतों को बताना शुरू किया कि घर से बाहर निकलो, यहाँ भी दुनिया है, ज़िंदगी चौक के चूल्हे में नहीं सिमटी हुई है, ये सारी चीज़ें, सिर्फ बच्चे पालना ही एक औरत की ज़िंदगी नहीं है, इस तरह की बातें एक औरत 1880 के दशक में कर रही थी। और इस बात पे जो टैगोर बाबू थे के पिताजी थे वो बड़े नाराज़ हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, और बगावत बढ़ती गई। नए साड़ी पहनने के तरीके पे बड़ी आपत्ति हुई,
कि ये रिवीलिंग है, पारंपरिक तरीके से गलत है। उन्होंने काम और भी किया, उन्होंने ब्लाउज, शमीज़, पेटीकोट और जैकेट्स, ओवरकोट्स, इस तरह की चीज़ों को साड़ी के साथ कंबाइन किया कि ठंड लगती है तो आपको कोट या जैकेट पहनना चाहिए, उस तरह की चीज़ें। उन्होंने सलवार सूट पहन के घर से निकलना शुरू किया, जो शायद आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले तक भारत के बहुत सारे इलाकों में महिलाओं के लिए एक टैबू था। जब इस पर विवाद ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने एक पत्रिका निकलती थी उसमें विज्ञापन दिया कलकत्ता में कि ये साड़ी पहनने का बहुत ही सुघड़ और अच्छा तरीका है और अगर आप सीखना चाहें तो मेरे पास आइए और मैं सिखाऊंगी। और जो एलीट कुल की महिलाएं थीं, जो जिनके पति नौकरियां करते थे, वो आके सीखने लगी और उनके पास बहुत सारे लोग आ गए जो साड़ी पहनने का ये तरीका सीखना चाहती। इसके अलावा उन्होंने दो काम और शुरू किए। ब्रिटिश जो चाय पार्टी, टी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रोवाइज़ करके उन्होंने भारत में किटी पार्टी, जिसको बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत की। इसके अलावा भारत में बर्थडे मनाने का कॉन्सेप्ट भी वो लेके आई मैडम। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जन्मदिन पे पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी वो भारत में लेके आई। और उनकी भतीजी थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उससे पहले हमको पता भी नहीं था कि जन्मदिन जैसी कोई चीज़ होती भी है। ये आई तो इन्होंने बताया कि नहीं, जन्मदिन होता है, इस दिन पैदा हुए थे, हर साल इस दिन पार्टी मनाई जानी चाहिए। तो ये हम हैं, ये हमारी पैट्रियार्की और ये पार्टी हो रही है वाली स्थिति थी। इसके बाद उन्होंने 1881 में एक लेख लिखा जिसमें कहा कि भारत को इस समय कैसे संगठन की ज़रूरत है जो देश भर में हो, देश की लड़ाई में हिस्सा ले और लिबरलाइजेशन लेके आए देश भर में। ये बात है 1881 की। इसके चार साल बाद एक वैसा ही संगठन बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो कांग्रेस की स्थापना की भारत को ज़रूरत है, ये उन्होंने कांग्रेस की स्थापना से चार साल पहले लिखा था। उसके बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। रविंद्रनाथ वापस आ गए, उन्होंने नाटक लिखना शुरू किए। और तब तक ये था कि चाहे नाटक घर के अंदर खेले जाएं या क्या कहते हैं पब्लिक में खेले जाएं, महिलाएं उसमें हिस्सा नहीं लेती थी, उसका जो रोल था वो पुरुष ही करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर में जो नाटक थे उनमें राइटिंग, डायरेक्शन, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपने घर के नाटकों में एक्टिंग करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक दिन वो काम किया जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। उन्होंने एक कलकत्ता का जो पब्लिक थिएटर था उसमें जाके रोल किया, एक्टिंग की। टैगोर परिवार की बहू जो सबसे प्रतिष्ठित है, वहाँ पर स्टेज पे नाटक कर रही है बिना पर्दे के, बिना उसके। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा भड़क गए। बातें यहीं ख़त्म नहीं हुई। क्रिसमस की पार्टी थी, अंग्रेज़ वायसराय थे, उन्होंने दी थी, वो उसमें भी चली गई थी, जिसको क्या कहते हैं माना जाता था कि वो मलेच्छों की पार्टी है और वो सब कुछ उसमें नहीं जा सकते। इस पर बहुत हंगामा हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कर दिया इनको अलग। और ज्ञानानंद देवी ने पार्क स्ट्रीट में एक उनका बंगला था, वहाँ जाके वो रहने लगी। मज़ेदार बात ये थी, ये बंगला जो देवेंद्रनाथ टैगोर का बंगला था, यानी उनके ससुर जी का बंगला था, उसके ठीक बगल में था। पार्क स्ट्रीट में उन्होंने बहुत सारे काम किए इस तरह के। एक पत्रिका की एडिटर बनी, उन्होंने अपने भतीजे को एक अंग्रेज़ पेंटर से मिलाया, दोनों पेंटर थे, और दोनों ने मिलकर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स, बंगाल की जो कला है उसकी स्थापना की, शुरुआत की। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते रहे, बहुत सारी उन्होंने पत्रिका निकाली, उन्होंने बच्चों के लिए बालक नाम की एक पत्रिका निकाली। और इस तरह से चीज़ें धीरे 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 बदलती रही। पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा दूरी बन गई और सत्येंद्रनाथ टैगोर सूरत और बम्बई उस तरह पोस्टेड, जबकि ये अपने सामाजिक रिफॉर्म और इस सारी चीज़ों में कलकत्ता वगैरह में रहीं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं किया, पर्दा प्रथा ख़त्म करने और बहुत सारी चीज़ों में, जाति प्रथा के खिलाफ, जाति से बाहर शादी करने में और इस तरह की चीज़ों में, धर्म और कपड़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ों में उनका सपोर्ट किया। लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर से और उनमें पति पत्नी में एक विवाद हुआ जिसका कारण था बच्चों की देखभाल। सत्येंद्रनाथ को लगता था कि वो बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन पति पत्नी में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन ज्ञानदा नहीं रुकी। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे शांति निकेतन में उनका बहुत सारा सहयोग रहा। 91 साल की उम्र में, 1941 में उनकी डेथ हुई और लंबी ज़िंदगी जी के गई। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आप बर्थडे पार्टी मनाएं, अगर आप साड़ी में किसी को एडमायर करें या साड़ी पहन के अपने आप को एडमायर करें, या बहुत सारे इस तरह के सोशल रिफॉर्म हैं, तो एक बार याद रखिएगा, उनको याद करना चाहिए इस चीज़ के लिए, वो सही मायनों में भारतीय समाज की अनसंग हीरो जिसको कहा जा सकता है वो हैं। और कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।